सेम आउटलाइन पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का भी बतलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक डॉट फॉर्मूला इस प्रकार से लिखेंगे। कैलकुलेशन करने पर पाते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, अर्थात इसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा, सेम और स्ट्रक्चर, और इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जीरो होने का मतलब है कि बोथ साइड में समान रूप से अट्रैक्ट होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, फलस्वरूप डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखी हुआ है कि ड्राई आइस क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई आइस, इट मीन्स दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कोई हमने यहाँ लिखा है। अब आइए कि इसका भी बनाने का विधि तो हमारे पास है ही, किसी भी मेटल कार्बोनेट को HCl या H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो मेटल क्लोराइड वाटर और CO2 बनेगा, या मेटल सल्फेट तो वाटर और CO2 बनेगा। ठीक है, सही, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर एक्सेस ऑक्सीजन के साथ हीट करें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, किसी मेटल ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराने तो मेटल ऑक्साइड रिड्यूस्ड होकर मेटल में बदलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, या कार्बन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 के साथ हीट करें तो इस समीकरण के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। यही नहीं, जब कार्बन को सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसकी सहायता से हम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करें तो ये हीट किए जाने पर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट CO2 और H2O कैल्शियम कार्बोनेट CO2 और H2O निकलेगा। ऐसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हीट किया जाए तो हीट किए जाने पर ये भी देगा सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 गैस। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में भी पाए जाते हैं, एयर में भी प्रेजेंट है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रिपरेशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड क्वाइट प्लस गैस होता है, इसमें दम घुटने लगता है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्वाइट प्लस है, लेकिन उतना क्वाइट प्लस नहीं है जितना कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे नाकों तक एयर को नहीं पहुंचने देता, ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देता, ये स्वतः अपने में एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, फलस्वरूप ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाता है। तो जहां कहीं भी दम घुटने के कारण मृत्यु होने की बात होने लगती है, इसका अर्थ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो भीतर एब्जॉर्ब हो गया है उसको निकालना जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पॉइजनस तो है, लेकिन इसका उपयोग हम फायर एक्सटिंक्शन में भी करते हैं। जनरली कहीं आग लग गया हो, कार्बन डाइऑक्साइड के फ्लो को भेजा जाए तो स्पष्ट है कि वह आग को बुझा देता है, क्योंकि यह न खुद जलता है और न जलने में सहायक होता है, इसलिए ये बुझा देता है। अब आइए इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, क्या प्रॉपर्टीज हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रॉपर्टीज और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। पहले अपने वीडियो को पॉज कीजिए, ऑनलाइन कीजिए इस मटेरियल्स को,
कार्बन मोनोऑक्साइड को जब एक्सेस एयर के साथ हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनाइल सल्फाइड बनाएगा। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से कंबाइन होकर कार्बोनाइल क्लोराइड बनाएगा। इसी कार्बोनाइल क्लोराइड इज ए पॉइजनस गैस, इट इज फॉस जी। और मनुष्य इससे बेहोश हो जाता है, जरा भी लहर के अंदर जाएगा श्वसन के द्वारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से दर्द बन जाएगा। और यही प्रॉपर्टी है जिसमें क्लोरोफॉर्म मनुष्य को बेहोश करता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं CHCl3। जब वायुमंडल का ऑक्सीजन इससे कंबाइन करता है तो ये भी कंबाइन होकर COCl2 मतलब ऑक्सीजन गैस बनाता है, जो डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से बना है। तो स्पष्ट इसका कैरेक्टर तो है ऑक्सीजन का पॉइजनस। तो ये ऑक्सीजन स्पष्ट है कि मनुष्य को बेहोश करता है। और सेम बात क्लोरोफॉर्म के केस में होती है, और मेरी केमिस्ट्री में आप आगे पढ़ेंगे कि जब क्लोरोफॉर्म को नाक के पास तक लाते हैं कपड़ों में भिंगा कर या वैसे, तो हवा से गुजरता है और हवा के ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्सीजन बना लेता है और साथ साथ HCl बनता है। HCl गैस को वायुमंडल में चला जाता है, ऑक्सीजन जो कपड़े के साथ है वही मनुष्य के श्वसन के द्वारा अंदर जाता है और वही मनुष्य बेहोश हो जाता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ है। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड फेलिंग सोल्यूशन कहते हैं, दिस इज फेलिंग सोल्यूशन। जब इससे रिएक्शन होता है तो रिएक्शन करके ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्यूपरस ऑक्साइड। क्यूपरस ऑक्साइड रेड कलर में होता है, पिंक रेड। तो जो ही हम लोग पहली सरोसर में कार्बन मोनोऑक्साइड पास कराएंगे पिंक रेड कलर आएगा, इसका अर्थ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया है। यही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ, टॉलेंस रिएजेंट इज सिल्वर मोनोऑक्साइड को कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके ये भी बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जिस पॉट में रिएक्शन होगा उस पॉट के दीवार पर सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, तो देखने में बाहर से एकदम मिरर की तरह नजर आएगा। तो जब टॉलेंस रिएजेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड पास कराते हैं तो मिरर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें अपना आप चेहरा देख सकते हैं ठीक आईने की भांति। तो स्पष्ट हम समझते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ने सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन कर दिया। तो इस प्रकार ये सारे प्रॉपर्टीज कार्बन मोनोऑक्साइड का है, जिसके आधार पर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल ऑक्साइड से भी रिएक्शन करता है। कुछ मेटल ऑक्साइड है जैसे ZnO ही लीजिए, ZnO इससे कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और मेटल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग हम लोग करते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन में। जिस रिएक्शन is implied in the extraction of metal से, तो चार मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके रिजल्ट बनाते हैं
कितना कार्बन है। ठीक है सही। अगर आयरन के साथ रिएक्शन कराते हैं पांच मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करेगा और बनाएगा आयरन पेंटा कार्बोनाइल, आयरन पेंटा कार्बोनाइल। सिमिलरली कोबाल्ट का रिएक्शन अगर करावे तो तीन मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करेगा और बनाएगा कोबाल्ट ट्राई कार्बोनाइल। ये सारे रिएक्शंस हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड शो करते हैं। अपने वीडियो को वॉच करके तो राइट कर लीजिए। लास्ट पार्ट है इसका यूसेज, व्हाट आर द यूसेज ऑफ, सॉरी एक दो रिएक्शन और है जो एग्जाम में और तब उसके बाद हम लोग यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक दो रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड जब NaOH के साथ हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, तो इसका OHA इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है आगे की ओर और H चला जाता है कार्बन में, फलस्वरूप रिजल्ट बनता है HCOONa, इसका नाम है सोडियम। अगर इसको एसिडिफाई कर रहे हैं किसी भी एसिड से, मान लिया HCl से, तो NaCl लेकर NaCl बन के हटेगा और एक यहाँ जुड़कर फॉर्मिक एसिड बनाएगा, मतलब एक ऑर्गेनिक एसिड बन जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं। यही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड तो वाटर के साथ अगर हम लोग हीट करते हैं, हीट एट हाई प्रेशर, तो ऐसे ही इसमें से OH निकल के O के साथ जुटेगा और H कार्बन में डायरेक्ट फॉर्मिंग एसिड का फॉर्मेशन होता है। दीज आर द रिएक्शंस इन विच वी Say that inorganic compound is directly converted to organic compound. So these are the main important properties of carbon monoxide. Now come to uses. It is poisonous. It is used as fuel gas. भट्टी को गर्म करने में, इन इंडस्ट्रियल ओवन, थर्ड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, important additive compound and last step liberation of carbon dioxide gas. यही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करके हम अगर हाइड्रोजन के साथ हीटिंग करें, निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो क्या होगा, रिएक्शन करके
ये मीथेन गैस बना है जो एक औद्योगिक कंपाउंड नहीं है। तो ये सारे यूज है और ये सारे प्रॉपर्टी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रॉपर्टीज और यूज का हमने एक्सप्लेनेशन दिया और लास्ट टॉपिक किया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जनरेशन वाइब्रेशन। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज और यूज के बारे में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज करते हुए इसको राइट कर लीजिए। It is colorless water soluble acidic gas. It is heavier than the air. पहला रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देता है, मतलब कि फ्लेम को बंद कर देता है, और लेकिन जलता हुआ कोई मैग्नीशियम या कुछ भी डालते हैं तो कुछ देर जलता रहता है, उसके बाद ही बुझ जाता है। CO2 ये तो अपने जलता नहीं है, इट डज नॉट हेल्प इन बर्निंग। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में जलते हुए मैग्नीशियम को अगर हम डाल दें तो देखते हैं कि ये कुछ देर जलता होता है और जल के बनाता है कार्बन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का अर्थ है कि जब जलता हुआ मैग्नीशियम डाल देंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तो स्पष्ट है मैग्नीशियम उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको लेकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदलता है, इसलिए ये जलता होता है। और जो ही इसका टोटल ऑक्सीजन खर्च हो जाता है तो ये बुझ जाता है और कार्बन बच जाता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सॉल्युबल है, जब जलने बुलाते हैं भूलकर एक अनस्टेबल एसिड H2CO3 बनाता है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। और इसका उपयोग हम करते हैं सोडा वाटर बनाने, जिसे यूज इन सोडा वाटर फॉर्म। ये बहुत अनस्टेबल है, अगर इसको बना के छोड़ दीजिएगा तो ये अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाएगा और केवल जल बच जाएगा। इसे इसको रखते भी हैं स्टोर करके तो ये टाइट बॉटल में बंद करके रखना होगा। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, अगर एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया तो ये पूरा पूरा जुड़कर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, ये पूरा पूरा जुड़ गया। और यदि एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो बना हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट फिर कंबाइंड होकर सोडियम कार्बोनेट में बदल गया। ठीक है, सही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से बुझाते हैं, मिल्क ऑफ लाइम से, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, चूना जल से, तो चूना जल को दूधिया कर देता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन करके बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो मिल्की कलर होता है।
इसे कवर मिल्की हो जाता है। लेकिन जब एक्सेस पास कराएंगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो फिर इससे रिएक्शन करके ये बदल जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और फिर ये कवर में सो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुझाते हैं आप चूना जल से, तो पहले उसका कलर मिल्की हो जाता है और एक्सेस पास कराने पर फिर वो कलरलेस हो जाता है। क्यों? इसका कारण है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और इसका कलर मिल्की होता है। ये मिल्की हो गया तो हम समझ लेते हैं कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब एक्सेस पास कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो कंबाइन होकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। ये सब ये दुगंधित होता है, उसमें का सॉल्यूशन का प्रोसेस किस से होता है। तो ये रिएक्शन इसको जानने के बाद पांचवा आइए कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करावे निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में 300 डिग्री टेम्परेचर तक हीट करते हुए, तो ये कंबाइन होकर मीथेन और दो मॉलिक्यूल मात्र बनाता है। चौथा रिएक्शन कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंक्शन के रूप में यूज होता है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? तो इसके लिए जनरली हम लोग कोई कार्बोनेट का सॉल्यूशन लेते हैं, खासकर सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, और उसमें मिक्स रहता है एल्युमिनियम मिक्स रहता है H2SO4, तो दो अलग अलग कंपार्टमेंट में होते हैं टाइप से। ये अलग अलग कंपार्टमेंट में दोनों प्रेजेंट है, एक इस पार्ट में H2SO4, इस पार्ट में पूरा अल्कली भरा रहता है। नीचे के घुंडी को पटका जाता है फर्स्ट पर, जिससे इसके दबाव से ये टूट जाता है, ये ब्रेक कर जाता है, अंदर का ये रास्ता बना रहता है टूट जाता है। टूट जाने पर कैल्शियम का ये सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करता है H2SO4 से एसिड के साथ, और रिएक्शन करके बनाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट H2O और CO2 गैस, और यही CO2 गैस इस रास्ते निकलने लगता है। आप की ओर करते हैं या आपको बुझा देता है, लेकिन इसमें H2SO4 है, कभी कभी खतरे की भी संभावना होती है, इसलिए हम लोग इसमें आज मॉडर्न टेक्निक में कुछ चेंजेस लाया गया है, और वह है कि H2SO4 के बदले में हम एल्युमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट के इस्तेमाल से क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट कम्बाइन होकर ये बनाते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, और ये फोम के रूप में निकलता है जो आग के ऊपर एक लेयर बना देता है, मतलब उसको वायुमंडल के एयर को जाने नहीं देता है, रोक लेता है। इसीलिए फोम सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और फोम के इस्तेमाल के लिए केवल कुछ नहीं करना है, H2SO4 को के बदले में हमको एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग करना है, क्योंकि एल्युमिनियम सल्फेट ज़्यादा खतरनाक नहीं है H2SO4 की तुलना में, और ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फोम के रूप में बाहर निकलता है जो आग के ऊपर कवरिंग कर देता है। कवरिंग करने से वायुमंडल का एयर उसको मिल नहीं पाता है, नहीं मिलने के कारण उसका जलना रुक जाता है, अर्थात आग बंद हो जाता है। तो ये फायर एक्सटिंक्शन का प्रिंसिपल है जो हम लोग उपयोग में लाते हैं मॉडर्न टेक्निक में।
उतार के वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान हम लोग एयर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जस्ट इसका रिवर्स है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं और वह बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन हमको चाहिए वो पेड़ पौधे देते हैं और जो पेड़ पौधों के ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वह हमसे जेनरेट होता है। तो प्रकृति ने यह बड़ा विचित्र रिप्रेजेंटेशन किया है, बड़ा विचित्र इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है कि मनुष्यों से पेड़ पौधों को जाता है उसका जीवन और पेड़ पौधों से हमारे पास जीवन आता है, मतलब ऑक्सीजन गैस के रूप में यही कारण है। कहते हैं कि पेड़ पौधा लगाइए, प्लांटेशन करिए ताकि अपना जीवन भी बचा रहे। पेड़ पौधे से तो फायदा होगा ही, क्लाइमेट साफ होगा, वर्षा होगी और साथ ही साथ हमको फ्रेश एयर भी मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, यही बात है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पेड़ पौधे लेते हैं तो अपने वाटर से कंबाइन करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट का उपयोग करते हुए आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं C6H12O6 ये बनाते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। तो स्पष्ट है कि इस रिएक्शन ये रिएक्शन पेड़ पौधे में लगातार होता रहता है क्योंकि उनको तो भोजन चाहिए और वह भोजन कहाँ से जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। पेड़ पौधों में एक है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, वही क्लोरोफिल इन दोनों के बीच रिएक्शन कराने में उपयोगी है, लेकिन वह रिएक्शन भी कम होगा तो लाइट के प्रेजेंस में, फलस्वरूप यह ग्लूकोज बनेगा और यही ग्लूकोज साइक्लिक वे में अगर हायर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हुए पेड़ पौधों का ग्रोथ कराते हैं। तो ये सारे रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या यूजेस है ये हमको जानना है। कार्बन डाइऑक्साइड पहला तो है सबसे इम्पोर्टेंट फायर एक्सटिंक्शन में, दूसरा कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में, हाइड्रोकार्बन बनाने में, चौथा इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है, केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने कार्बन का स्टडी तो कर लिया, अब इसी स्टडी के आधार पर हम इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं सबके बारे में स्टडी कर सकते हैं क्योंकि एक ही क्लास के सारे मेंबर्स हैं और उस क्लास के जितने भी मेंबर्स होंगे सब में एक ही टाइप से प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगे और कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही,
एक ही घर में एक ही माता पिता की कई संतानें होती है, सबका रहन सहन खान पान सब कुछ एक प्रकार से होता है, माता पिता एक ही तरफ के प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे ही एक ही क्लास के मेंबर्स होने के बावजूद भी कुछ न कुछ डिफरेंस हो जाता है। जब एक माँ बाप के संतान में कुछ फर्क हो जाता है तो ऑब्वियसली एक फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उसमें भी कुछ डिफरेंस होगा, और ये तो प्रकृति का नियम है। डिफरेंस नहीं होगा तो फिर ये डिफरेंट मेंबर्स क्यों कहलाते हैं? इसलिए डिफरेंट मेंबर्स हैं मतलब कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल होगा, तो वह एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी का स्टडी वह विशेष स्टूडेंट करेंगे जो पर्टिकुलरली अलग अलग मेंबर्स का अध्ययन करेंगे, अर्थात जो कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाएंगे तो उनको आवश्यकता पड़ेगी कि इतना तो कॉमन ही रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए अलग अलग मेंबर्स का स्टडी करना होगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स का डिटेल से स्टडी किया, और जो कोर्स में पढ़ना था एलेवन में वह तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे भी 12th क्लास में, जहां पी ब्लॉक एलिमेंट्स का अलग P3, P4, P5, P6 तक का स्टडी करना है उन चैप्टर्स के साथ। और तब तक के लिए आप पुरानी बातों को 11th क्लास का कंप्लीट स्टडी करें, जो प्रॉब्लम्स हो नोट करके रखिए, ताकि 12th में जब स्टार्ट करेंगे तो उस जगह पर आप अपने नए नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे, ताकि अपने कन्फ्यूजन्स को लेकर मेरे सामने आए और हम उस सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करें।